हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में नए 19 जिले बनने के बाद राजस्थान के मैप में वायु परिवहन किस प्रकार से रहने वाला है, कौन कौन से जिलों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, नागरिक हवाई अड्डा है, सैनिक हवाई अड्डे, प्रस्तावित नागरिक हवाई अड्डे, तो इन सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो यहाँ पर नए जिले बने हैं तो उनमें किस किस में हवाई अड्डे रहने वाले हैं, सब बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर श्रीगंगानगर। तो श्रीगंगानगर में हवाई अड्डा है, तो श्रीगंगानगर से अनूपगढ़ नया जिला बना है, तो यहाँ पर इसमें नहीं रहेगा, ये इसी में रहेगा श्रीगंगानगर में। ठीक, हम उन्हीं जिलों की बात करेंगे जिनमें हवाई अड्डे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसमें मैंने गुलाबी कलर कर रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजस्थान का प्रथम एकमात्र देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर, ये जयपुर के अंदर है, सांगानेर के अंदर, जो कि देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और राजस्थान का प्रथम और एकमात्र। तो यहाँ पर राजस्थान में एक ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि सांगानेर में है, जयपुर सांगानेर में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नागरिक हवाई अड्डा। तो नागरिक हवाई अड्डा जिसमें मैंने यहाँ पर पीला कलर कर रखा है वो है, तो यहाँ पर बीकानेर के अंदर है नागरिक हवाई अड्डा। ठीक है, और यहाँ पर सैनिक हवाई अड्डा भी है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर कर रखा है, तो यहाँ पर सैनिक और नागरिक दोनों हवाई अड्डे हैं। जैसलमेर के अंदर भी सैनिक और नागरिक दोनों हवाई अड्डे हैं। तो यहाँ पर जोधपुर से नए 3 जिले बने हैं, जोधपुर पश्चिम, जोधपुर पूर्व और फलौदी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ग्रीन है, तो फलौदी के अंदर नया जिला बना है फलौदी, तो फलौदी में कौन सा हवाई अड्डा जाएगा, सैनिक हवाई अड्डा। और जोधपुर पश्चिम में भी सैनिक हवाई अड्डा, और जोधपुर पूर्व में कौन सा हवाई अड्डा जाएगा, नागरिक हवाई अड्डा। ठीक है, तो बाड़मेर से भी नया जिला बना है बालोतरा और बाड़मेर। ठीक है, तो यहाँ पर बाड़मेर के अंदर जो कि सैनिक हवाई अड्डा है वो बाड़मेर के अंदर ही रहेगा, और यहाँ पर ये बालोतरा के अंदर कोई हवाई अड्डा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए उदयपुर के अंदर जो कि नागरिक हवाई अड्डा है, इस साइड देखेंगे कोटा के अंदर नागरिक हवाई अड्डा है, अजमेर में भी नागरिक हवाई अड्डा, किशनगढ़ के अंदर है ये, वो इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2017 में हुआ था, अजमेर के अंदर एक हवाई अड्डा है इसका। और जयपुर के अंदर मैंने आपको बता ही दिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये नागरिक हवाई अड्डा भी है, और यहाँ पर जो प्रस्तावित हवाई अड्डे हैं, प्रस्तावित नागरिक हवाई अड्डे, तो वो कौन कौन से, यहाँ पर पालड़ी, नाहरपुर, और यहाँ पर ये कोटपुतली जिले के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर ये अलवर जिले में, अलवर से नया जिला बना है खैरथल, तो यहाँ पर ये प्रस्तावित नागरिक हवाई अड्डा कोट कासिम में आ जाएगा। ठीक है, ये कोट कासिम है यहाँ पर। तो यहाँ पर राज्य में वर्तमान में 13 हवाई अड्डे हैं और 20 हवाई पट्टियाँ हैं, जिनमें से 4 हवाई पट्टियाँ कांकरोली, पिलानी, अटूरी, वंशथली। हवाई पट्टियाँ क्रमशः जेके ग्रुप, तो यहाँ पर हो जाएगी कांकरोली जेके ग्रुप के अधीन, यहाँ पर विडला ग्रुप के अधीन ये पिलानी वाला हवाई पट्टी है ये हो जाएगी, और यहाँ पर अडानी ग्रुप में ये अटरू हो जाएगी, वंशथली विद्यापीठ के अधीन है। ठीक है, तो यहाँ पर शेष 16 हवाई पट्टियाँ राज्य सरकार के अधीन आ जाएंगी। तो इस प्रकार से ये वायु परिवहन है राजस्थान के अंदर, तो नए जिलों में ये सब जो हवाई अड्डे रहने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।